हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी द नेकलेस। नेकलेस इट मींस हार, गले का हार। दिस स्टोरी इज टेकन बाय द गाय द मोपासा। ये जो स्टोरी है ये गाय द मोपासा की कहानी से ली गई है। यहाँ पे राइटर ही टेल अस कि वॉट एवर वी हैव, जो भी हमारे पास है, वी हैव टू सेटिस्फाइड इन दैट, उसमें हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। बिकॉज वी ऑलवेज, हम क्या करते हैं, हमेशा वी फील जेलस टू सी अदर्स एंड ऑलवेज कंपेयर। और हमेशा हम क्या करते हैं, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ दुनिया में जो इंसान है वह खुद से दुखी नहीं है, लेकिन दूसरों को सुखी देखकर वह दुखी है। तो इसी स्टोरी में उन्होंने यही बताया है कि किस तरह से हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उसमें ही हमें खुश रहना चाहिए, और अगर हम लालच करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ता है। इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी रिटन बाय द गाय द मोपासा। सी, मिथान वॉज अ प्रिटी एंड चार्मिंग गर्ल। अब इन दिस लाइन व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल, मिथाइल्ड, दैट इज द नेम ऑफ द गर्ल। हाउ मिथाइल्ड वॉज लुक, कैसी मिथाइल दिखती थी, तो मिथाइल्ड वॉज अ प्रिटी एंड चार्मिंग गर्ल। वह जो थी सुंदर और आकर्षक, चार्मिंग इट मीन्स आकर्षक लड़की थी। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बनता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मेक अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यहाँ पे अ प्रिटी है, सो दैट वी राइट व्हाट ए, व्हाट अ प्रिटी एंड चार्मिंग गर्ल, मेथाइड वॉज एक्सक्लेमेशन मार्क। ये हमारा हो गया एडजेक्टिव वर्ड। दूसरा बन सकता है मेक अ डब्ल्यू एच टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे मिथाइल्ड वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर दिया एंड आपको बोल दिया गया कि मेक अ डब्ल्यू एच टाइप ऑफ क्वेश्चन। या दो तरीके से आपका डब्ल्यू एच टाइप ऑफ फ्रेम करने के लिए आता है। एक आपको ऐसे दे दिया जाएगा, मिथाइल्ड वॉज अ प्रिटी एंड चार्मिंग गर्ल, ब्रैकेट में दे दिया जाएगा हु, और दूसरा जो नाम है उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया जाएगा एंड आपको बोला जाएगा मेक अ डब्ल्यू एस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो दोनों तरीके से हम लोग देखते हैं। अगर अंडरलाइन किया गया है तो इट्स अ नेम ऑफ द पर्सन, और जब नेम ऑफ द पर्सन होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वॉट एवर, तो हु से क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग लिख देंगे हु, स्टार्टिंग में ही लगा देंगे हु, हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो हु वॉज अ प्रिटी एंड चार्मिंग गर्ल, Who was a pretty and charming girl? Mithild. Mithild was a pretty and charming girl. अब अगर यहीं पे pretty and charming girl के नीचे underline करता है, या pretty and charming के नीचे underline करता है और आपको बोला जाता है make a WS type of question, तो यहाँ पे बन जाएगा How was a Mithild girl? तो how was Mithild girl? Mithild girl was pretty and charming. दूसरा आ सकता है फाइंड आउट द एडजेक्टिव वर्ड फ्रॉम दिस लाइन। तो प्रिटी, प्रिटी एंड चार्मिंग, दिस इज योर एडजेक्टिव वर्ड। अब ये पी से स्टार्ट होता है, आपको जैसे वर्ड चेन लिखाया गया है, तो यहाँ पे पी से प्रिटी, सी से चार्मिंग, दिस इज द एडजेक्टिव गर्ल। बॉर्न एज इफ बाय एन एरर ऑफ फेट into a family of clerk। अभी मिथाइल जो थी वह दुर्भाग्यवश वह एक क्लर्क के घर जन्म उसका हुआ। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है वेयर वॉज मिथाइल बॉर्न, तो वेयर वॉज बॉर्न प्लेस पूछा गया, तो into a family of clerk, मिथाइल वॉज बॉर्न into a family of clerk, कि क्लर्क की फैमिली में उसका जन्म हुआ। फेट मतलब भाग्य, एरर इट मीन्स दुर्भाग्य, भाग्य की कमी होना, तो हो गया दुर्भाग्य।
She had no means of becoming known, understood, loved, or be wedded to an aristocrat. Aristocrat मतलब उच्च कुलीन, बहुत उच्च घर का जो है उसे कहते हैं aristocrat. And so she let herself be married a minor official at the Ministry of the Education. अब वो जो थी उसके भाग्य में यह नहीं था कि कोई उसे जाने पहचाने, उसे समझे, उसे प्यार करे, अथवा कोई उच्च कुलीन व्यक्ति से उसकी शादी हो. इसलिए उसने जो ऑफिशियल क्लर्क था, इसमें सचिवालय में शिक्षा विभाग में कनिष्ठ कर्मचारी था, उससे उसने शादी कर ली. तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बनता है, व्हाई वाज मिथाइल मैरिड टू माइनर ऑफिशियल. ए टू टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है कि व्हाई वाज, या बॉक्स टाइप क्वेश्चन जो हमारा होता है वेब डायग्राम, कि मिथाइल वाज मैरिड टू माइनर ऑफिशियल्स. तो वहाँ पे बिकॉज फिर डैश देकर दे दिया जाएगा. तो बिकॉज शी हैड नो मीन्स टू बिकमिंग नोन, अंडरस्टूड, सेकेंड पॉइंट, थर्ड लव्ड आर बी वेडेड टू एरिस्टोक्रेट, फिर फोर्थ पॉइंट शी लेट हर सेल्फ बी मैरिड अ माइनर ऑफिशियल्स, कि उसे कोई जानता पहचानता. इस तरह से ए टू टाइप ऑफ क्वेश्चन दो मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई वॉज मिथाइल मैरिड टू बी माइनर ऑफिशियल. तो हम डायरेक्टली यहाँ से लिख देंगे कि शी हैड नो मीन्स टू बिकमिंग नोन, अंडरस्टूड एंड लव्ड आर बी वेडेड टू एन एरिस्टोक्रेट, सो लेट हर सेल्फ बी मैरिड टू अ माइनर ऑफिशियल एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. इस तरह से बन सकता है. अगला ग्रामर का बन सकता है, शी हैड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, एड अ क्वेश्चन टैग. अभी क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हैड नो, ऑलरेडी नो लगा हुआ है. तो ध्यान में रखना, क्वेश्चन टैग बनाते समय पहले हम पूरा सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव. तो दिस सेंटेंस इज आवर नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे नो लगा है, नो, नॉट, नेवर, नथिंग, जो भी नेगेटिव बताते हैं अगर वो हैं तो हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे. तो यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, हैड एंड शी, इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा हैड एंड शी. लेट्स स्टार्ट सेकेंड पैराग्राफ. शी ड्रेस्ड प्लेनली बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर. अभी यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बनता है कि वाई मिथाइल ड्रेस्ड प्लेनली, वाई डिड मिथाइल ड्रेस प्लेनली, वो प्लेन साधारण कपड़े क्यों पहनती थी. तो बिकॉज, यहाँ से आंसर है हमारा, बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर, क्योंकि वो कुछ भी अच्छा नहीं खरीद सकती थी. सो दैट शी ड्रेस्ड प्लेनली. शी सफर्ड एंडलेसली फीलिंग शी वॉज एंटायल्ड. एंटायल्ड, एंटायल्ड का मतलब होता है अधिकार होना, कि जिस चीज़ की वो अधिकारी थी. टू ऑल लग्जरीज, आराम, सुख सुविधा ऑफ लाइफ, जीवन में, जीवन में जिस चीज़ की वो अधिकारी थी वो उसे नहीं मिला. शी सफर्ड बिकॉज ऑफ हर शैबी पुअरली फर्निश्ड हाउस. अब यहाँ पे आ सकता है एक क्वेश्चन कि व्हाट मिथाइल हैड. तो मिथाइल हैड, मिथाइल के पास क्या था. तो मिथाइल ड्रेस्ड प्लेनली, साधारण कपड़े थे. हर शैबी, शैबी मतलब बहुत पुराना, फटा हुआ, चिथड़ा जो था. एंड पुअरली फर्निश्ड हाउस, फटा पुराना चिथड़ा फर्निश्ड हाउस था, तो ये उसके पास था. ऑल दीज थिंग्स दैट अनदर वुमेन ऑफ हर क्लास वुड नॉट इवन हैव नोटिस्ड. टॉर्मेंटेड, टॉर्मेंटेड का मतलब होता है सताया हुआ. टॉर्मेंटेड, टॉर्मेंटेड मतलब सताया हुआ. हर एंड मेड हर
रिसेंटफुल, रिसेंटफुल मतलब गुस्से में, चिढ़ा हुआ। जैसे मैंने कहा कि दूसरों की खुशियों को देखकर इंसान दुखी होता है, तो यहाँ पे जो उसके साथ के लोग थे, दे आर ऑल हाई फाई सोसाइटी, बिलोंग टू हाई फाई सोसाइटी, सो दैट उसे गुस्सा आता था। तो सी यहाँ पर रिसेंट, रिसेंट में फुल लगाया हमने, तो ये हमारा सफिक्स लगा, रिसेंट में सफिक्स लगा फुल, तो गया रिसेंट फुल। अब यहाँ पे आ सकता है रिसेंट वर्ड देख दिया गया और आपको बोला गया मेक अ यूज़र प्रीफिक्स आर सफिक्स, तो यहाँ पे रिसेंट फुल एडजेक्टिव वर्ड, फाइंड आउट द एडजेक्टिव वर्ड, रिसेंट फुल ये आपका एडजेक्टिव वर्ड भी हो गया। शी ड्रीम्ड ऑफ ग्रैंड पैलेशियल मेंशन विद वास्ट रूम, वास्ट मतलब बड़ा रूम, एंड इनवाइटिंग स्मॉलर रूम्स परफ्यूम्ड फॉर आफ्टरनून चैट्स विद क्लोज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट मिथाइल्ड ड्रीम ऑफ, मिथाइल्ड क्या सपना देखती थी, तो मिथाइल्ड ड्रीम ऑफ ग्रैंड पैलेशियल, शानदार मेंशन हो उसके पास, वास्ट रूम्स हो, बड़ा सा रूम हो, इनवाइटिंग स्मॉलर रूम्स अपने फ्रेंड्स को वो इनवाइट कर सके, परफ्यूम्ड फॉर आफ्टरनून जिसमें परफ्यूम वगैरह की खुशबू हो, एंड आफ्टरनून में वो चैट कर सके। तो इस तरह से यहाँ पे शी ड्रीम्ड ऑफ, इस तरह से वो सपना देखती थी। तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एक और वेब डायग्राम में बन सकता है, जैसे मिथाइल ड्रीम ऑफ, उसके बाद आपको चार ऐसे वेब दे दिए जाएंगे, तो ड्रीम ऑफ ग्रैंड पैलेशियल मेंशन, सेकंड पॉइंट विद फास्ट रूम, इनवाइटिंग स्मॉलर रूम्स परफ्यूम्ड फॉर आफ्टरनून चैट्स विद क्लोज फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप चार पॉइंट्स वहाँ पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है येट शी हैड नो रिच ड्रेसेस, उसके पास कोई भी रिच ड्रेसेस नहीं था। अब यहाँ पे देखना शी हैड नो रिच ड्रेसेस, मेक अ अफर्मेटिव सेंटेंस, यहाँ पे नो आया है, निगेटिव है, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाते समय आपको याद होगा कि हम क्या करते हैं, नो को हटाकर जो हमारा एडजेक्टिव वर्ड है उसका हम अपोजिट वर्ड लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा शी हैड पुअर, नो को हम हटा देंगे, रिच का हो जाएगा पुअर, तो शी हैड पुअर ड्रेसेस। नो ज्वेल्स, ज्वेल्स मतलब गहने, नथिंग, एंड दीज वेयर द ओनली थिंग्स शी लव्ड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डिड मिथाइल लव, तो व्हाट डिड मिथाइल लव, रिच ड्रेसेस नो हटा देंगे, व्हाट डिड मिथाइल लव, तो यहाँ पे उसे किस चीज़ों से प्यार था, रिच ड्रेसेस, ज्वेल्स, इससे लगाव था। और अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट हैड नॉट मिथाइल, तो मिथाइल के पास क्या नहीं था, तो शी हैड नो रिच ड्रेसेस, नो ज्वेल्स, नथिंग, इस तरह से हमारे दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। एड अ क्वेश्चन टैग, अब यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पहले हम पूरा सेंटेंसेस लिख देंगे, फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगा देंगे, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा हैडन शी, शी वॉन्टेड सो मच टू चार्म, टू बी इनवेड, टू बी शॉर्ट आफ्टर, इट मीन्स वह जो है बहुत ही अच्छी दिखना चाहती थी, आकर्षक दिखना चाहती थी, उसे आकर्षक वस्तुओं के प्रति लालच था, पाने की इच्छा थी, इनविड, इनविड इट मीन्स लालच होना, तो उसे इनविड था, टू बी शॉर्ट आफ्टर, और वह उसे पाना चाहती थी, शॉर्ट मतलब पाना, तो वह उसे पाना चाहती थी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि व्हाट मिथाइल वांट, तो मिथाइल वांट सो मच टू चार्म, बहुत आकर्षक दिखना चाहती थी, टू बी इनविड, उसे उसके प्रति जो थी द्वेष की भावना थी कि उसे वो मिलना चाहिए, एंड टू बी शॉर्ट आफ्टर, उसे
पाना चाहती थी। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई द टेंस, शी वॉन्टेड सो मच टू चार्म, आइडेंटिफाई द टेंस। अब ये कौन सा टेंस है? सी तो सब्जेक्ट है, वॉन्टेड वर्ब से हमें पता चलेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया, इट मीन्स हियर सिंपल पास्ट टेंस। जब भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो हमारा टेंस होता है सिंपल पास्ट टेंस, तो सो दैट इट्स अवर सिंपल पास्ट टेंस। अंडरलाइन इन्फिनिटिव सेंटेंस, तो इन्फिनिटिव टू चार्म, दैट इज योर इन्फिनिटिव वर्ड। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अब उसके पास जो थे बहुत ही धनी फ्रेंड्स थे। सी शी हैड अ रिच फ्रेंड, अब इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए आ सकता है, तो अब देखेंगे हम एडजेक्टिव वर्ड है अ रिच, तो इसका बन जाएगा व्हाट ए से स्टार्ट करेंगे। ध्यान में रखिए अगर ए हो सेंटेंस में तो व्हाट से शुरू करना है, अगर ए नहीं है तो हाउ से शुरू करना है। तो यहाँ पे आपका ए लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे व्हाट अ रिच फ्रेंड शी हैड, हमेशा हेल्पिंग वर्ब अंत में आता है और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा बन सकता है एड अ क्वेश्चन टैग, शी हैड अ रिच फ्रेंड। अब यहाँ पे इसका अगर क्वेश्चन टैग बनाना है तो क्या बन जाएगा, हैडन्ट शी, पूरा लिख के फुल स्टॉप को हटा के कॉमा, और हैड का हो जाएगा हैडन्ट शी। दूसरा आइडेंटिफाई द टेंस, शी हैड अ रिच फ्रेंड, आइडेंटिफाई, अभी आइडेंटिफाई करेंगे तो हैड जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, अब यहाँ पे हैड जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पे जो टेंस है वो है सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इसका क्वेश्चन टैग जो है वो बनेगा डिडंट, उसका क्वेश्चन टैग बनेगा डिडंट शी। अब डिडंट शी क्यों बना, क्योंकि ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं है, अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता तो हम हैडन्ट शी लिख देते, लेकिन यहाँ पे जो हैड आया है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, हैव का पास्ट टेंस होता है हैड, पास्ट में होना, तो इसलिए यहाँ पे इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा डिडन्ट शी। अ फार्मर, फार्मर मतलब पहले का, फार्मर मतलब होता है पहले का, तो अ फार्मर स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट हुम शी अवॉइडेड विजिटिंग बिकॉज आफ्टरवर्ड्स शी वुड वीप एंड विथ रिग्रेट डिस्पेयर एंड माइजरी। अभी वो इन फ्रेंड्स को, जो उसके फ्रेंड्स थे स्कूलमेट्स थे, उसको अवॉइड किया करती थी, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बनता है व्हाई डिड मिथाइल अवॉइड विजिटिंग अ फॉर्मर स्कूलमेट्स, क्यों जो है मिथाइल अपने फॉर्मर पहले के जो स्कूलमेट्स थे उनको अवॉइड क्यों कर रही थी, तो अवॉइड करने का क्या रीज़न था, बिकॉज दे आर द रिच फ्रेंड, क्योंकि वो लोग धनी थे, एंड आफ्टरवर्ड, और जब वो उनसे मिलती थी उसके बाद शी वुड वीप एंड रिग्रेट, वीप विथ रिग्रेट पश्चाताप होता था, डिस्पेयर पछतावा होता था, एंड माइजरी उसे बेचारापन लाचारी महसूस होती थी, सो दैट शी अवॉइडेड। अब यहाँ पे एक हमारा वोकेबलरी का क्वेश्चन बन सकता है, A3 टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि फाइंड आउट द वर्ड रिलेटेड विद द ग्रेट पेन, कि ग्रेट पेन से रिलेटेड वर्ड फाइंड आउट करो, कौन सा वर्ड है जो ग्रेट पेन से रिलेटेड है। राइट एनी फोर वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज शो द फीलिंग ऑफ ग्रेट पेन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ग्रेट पेन से रिलेटेड क्या है, वीप रोना, जब पेन में होते हैं तभी रोते भी हैं, वीप रिग्रेट डिस्पेयर एंड माइजरी, दीज आर द फोर वर्ड विच रिलेटेड विद द ग्रेट पेन। वन इवनिंग हर हस्बैंड केम होम विद एन एयर ऑफ ट्रिम्फ होल्डिंग अ लार्ज एनवलप इन हिज हैंड, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि वॉट हैड मिथाइल्स हस्बैंड हैंड अ लार्ज एनवलप, क्या था उसके हाथ में,
अ लार्ज एनवलप. लुक ही सेड हियर समथिंग फॉर यू. अब ये हियर समथिंग फॉर यू हु सेड टू हुम. तो हु सेड टू हुम, मिथाइल्स हस्बैंड, उसके पति ने, मिथाइल्ड के पति ने मिथाइल्ड से कहा. मिथाइल्ड हस्बैंड सेड टू मिथाइल्ड. अब इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट मिथाइल्स हस्बैंड सेड, क्या कहा. तो मिथाइल्स हस्बैंड सेड दैट हियर इज या हियर वाज समथिंग फॉर हर. अब यहाँ पे हमारा देखेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनता है. जैसे ही सेड, अब ये कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम लोग दैट लिखेंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा दैट, हियर का हो जाएगा देयर, इज एम आर का चेंज होके वॉज वेयर हो जाएगा. देयर वॉज समथिंग फॉर यू, यू का हो जाएगा हर. तो हो जाएगा ही सेड दैट देयर वॉज समथिंग फॉर हर. तो इसी तरह से जब हम लिखेंगे कि वॉट द मिथाइल्स हस्बैंड सेड टू हर, तो क्या कहा उसने, ही सेड दैट देयर वॉज समथिंग फॉर हर, कि उसके पास कुछ तो उसके लिए है. शी टोर ओपन द पेपर एंड ड्रू आउट अ कार्ड ऑन विच वॉज प्रिंटेड द वर्ड्स. अभी यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बन सकता है हु टोर द पेपर, हु टोर द पेपर, शी, शी इट मीन्स मिथाइल्ड, मिथाइल्ड टोर ओपन द पेपर. या हु ड्रू आउट द कार्ड, किसने कार्ड को बाहर निकाला, तो यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल्ड. या व्हाट मिथाइल ड्रू आउट, मिथाइल ने क्या बाहर निकाला, तो क्या निकाला, अ कार्ड, मिथाइल ने कार्ड निकाला. तो व्हाट वाज प्रिंटेड ऑन द कार्ड, कार्ड पर क्या प्रिंटेड था, तो ऑन द विच वॉज प्रिंटेड द वर्ड्स, वहाँ पे प्रिंटेड द वर्ड्स था, क्या वर्ड प्रिंटेड था, द मिनिस्टर ऑफ द एजुकेशन एंड एम मैडम, एम एम ई मतलब होता है मैडम, मैडम का शॉर्ट फॉर्म है मैडम जॉज रामफन्यू रिक्वेस्ट द प्लेजर, प्लेजर मतलब आनंद होना, ऑफ एम, एम मतलब मिस्टर, यहाँ पे जो है मॉन्सर, मॉन्सर वर्ड होता है एम, एंड एम एम ई मतलब मैडम लॉयसल कंपनी एट द मिनिस्ट्री ऑन द इवनिंग ऑफ द मंडे जनवरी 18th को बुलाया गया था. तो इस तरह से क्वेश्चन है कि व्हाट वाज प्रिंटेड ऑन द पेपर, ऑन द कार्ड, व्हाट वाज प्रिंटेड ऑन द कार्ड, तो कार्ड पर क्या प्रिंटेड था, कि मिनिस्टर की तरफ से जो है मिनिस्टर जॉर्ज रैम्फ्यू की तरफ से मिस्टर एंड मिसेस को बुलाया गया था. एम एम मतलब मिस्टर, एम एम ई इट मीन्स मिसेस, मिसेस लॉयसल को इनविटेशन कार्ड था. अब यहाँ पे एक पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू फील व्हेन यू रिसीव इनविटेशन फॉर अ पार्टी एंड व्हाई. आप कैसा फील करते हो जब आप इनविटेशन, आपको कहीं जाने का इनविटेशन मिलता है, तो हाउ डू यू फील, आपकी फीलिंग्स क्या होती है. तो इफ़ आई से कि मेरी फीलिंग्स क्या होती है, तो व्हेन आई रिसीव द एन इनविटेशन फॉर अ पार्टी, जब मुझे पार्टी का इनविटेशन मिलता है, आई फील वेरी हैप्पी बिकॉज आई गेट अ चांस टू वेयर अ न्यू ड्रेसेस एंड गेट अ चांस टू मीट विद अदर फैमिली मेम्बर्स आर द फ्रेंड्स, कि हमको चांस मिलता है कि अलग अलग अपने न्यू अपने फ्रेंड्स से हम मिले, अपने फैमिली मेम्बर्स से मिले, एंड वी गेट अ चांस टू स्पेंड विद द टाइम विद आवर फ्रेंड्स, कि अपने फ्रेंड के साथ हमें टाइम स्पेंड करने का जो है मौका मिलता है. तो दिस इज़ द मेन थिंग्स वेयर वी रिजॉइस, जहाँ पे हम इंजॉय कर सकते हैं, एंड वी ऑल्सो गेट टू ईट टेस्टी फूड्स इन द पार्टी, विच इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट, कि
इस तरह की फीलिंग्स होती थी. यू कैन मेंशन एज योर फीलिंग्स कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू यू फील व्हेन यू रिसीव एन इनविटेशन फॉर द पार्टी एंड व्हाई, तो यू कैन मेंशन कि आई फील वेरी हैप्पी बिकॉज आई गेट द चांस टू ईट अ गुड नाइस फूड एंड डिलीशियस फूड एंड आई गेट अ चांस टू मीट विद माई क्लोज फ्रेंड्स एंड स्पेंड टाइम विद देम एंड अदर फैमिली मेम्बर्स एज लाइक दिस.